नमस्कार दोस्तों, मैं मानिक कश्यप का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनी मंत्रा में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी के 7th मैच के लिए फैंटेसी क्रिकेट प्रीव्यू। तो सबसे पहले जो टीम न्यूज़ है वो मैंने वेबसाइट पे जो अपडेट कर दी है, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि रियाज जो कि बाहर हो चुके हैं इंजरी के कारण, और जुनेद खान उनको रिप्लेस करेंगे। और जो सरफराज ने ये कंफर्म कर दिया है कि आमिर जो है वो खेलने के लिए फिट हैं। इसके अलावा जो अहमद शहजाद है वो रिप्लेस किए जाएंगे फकार जमान के साथ, जो कि ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो एक्सपेक्टेड 11 की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका से कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, और पाकिस्तान की बात करें तो बाकी जो दो चेंजेस हैं उन्होंने बता दिए कि रियाज की जगह, जो कि रियाज चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह आएंगे जुनेद खान, और अहमद शहजाद की जगह आएंगे फकार जमान। तो बिल्कुल थोड़े से चांसेस ये भी हैं कि इमाद वसीम की जगह फ़हीम अशरफ को खिला लिया जाए, लेकिन चांसेस काफ़ी रेयर हैं। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा चेंज होने की संभावना नहीं है। तो बाकी आप की प्लेयर्स को पूरा गेम प्लान यहाँ पर विजिट करके पढ़ लीजिएगा, अपडेट मैंने कर दिया है। तो अभी मैं आपको पहले जो प्लॉट है इस मैच का वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्विंटन डी कॉक, उसके बाद अजहर अली, अमला, फैफ प्लेसिस, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, रबाड़ा और मोहम्मद आमिर। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरा जो प्लॉट है इस मैच का वो मैंने रेडी कर दिया है। तो बाकी अभी मैं टीम यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बॉलर से देखें तो मैं पर्सनली पार्नल के साथ हर बार जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी वो बॉलिंग करवाते हैं। आप चाहें तो मॉर्नी मोरकर के साथ जा सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ भी रहेगा आपके लिए। तो वैसे तो पार्नल मेरे हिसाब से खेलेंगे ही। आप चाहें तो आप ताहिर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने ताहिर को सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे पास बचते हैं 18.5 क्रेडिट्स, और हमारे पास यहाँ पे अब दो ऑप्शन हैं। या तो हम जाते हैं कि एक तरफा टीम बना ले साउथ अफ्रीका की ओर से, तो जनरली मैं जाता हूँ बैलेंस टीम के साथ। तो मैं फिर से एक बार बैलेंस टीम ही बनाऊँगा जिसमें दोनों की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो मैं यहाँ पर बाबर आजम के साथ इस मैच में जाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया वो खेलते हैं। तो देखिए जो पाकिस्तान की टीम है वो जनरली कम्प्लीटली यहाँ से कवर हो चुकी है। तो अब हमारे पास बचते हैं 8.5 क्रेडिट्स, और 8.5 क्रेडिट्स में हमारे पास जो अच्छा एक ऑप्शन है वो है जयपाल डुमिनी। जयपाल डुमिनी थोड़ी सी बॉलिंग भी करवाएंगी, और स्पिन का हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। और यहाँ से जो बैटिंग है वो बैटिंग लाइनअप भी पूरी तरह से कवर हो चुकी है। तो यहाँ पर इकलौती जो प्रॉब्लम आ रही है वो है हमारे पास ए बी डिविलियर्स हमारी टीम में नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ए बी डिविलियर्स को सिलेक्ट करते हो, जो कि अगर आप चाहो तो अपनी दूसरी टीम में कर सकते हो, तो ए बी डिविलियर्स को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपको जाना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ। तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर पाकिस्तान की टीम से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे शबाद खान के साथ जा सकते हो, क्योंकि वो लो डाउन द ऑर्डर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी जो टीम है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर बाबर आजम और जयपाल डोमिनियो को टीम में सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी रेयर होता है कि ऊपर के जो चारों के चारों बल्लेबाज हैं वो परफॉर्म कर दें। काफ़ी रेयर ऐसा होता है कि ऊपर के जो चारों के चारों बल्लेबाज जो हैं वो परफॉर्म कर दें। तो मैं ए बी डिविलियर्स को टीम से निकाल रहा हूँ। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपके पास एक सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है हाशिम अमला, काफ़ी कंसिस्टेंट है और लगातार परफॉर्म करते रहते हैं। इसके अलावा फैफ प्लेसिस के साथ जा सकते हो, और वाइस कैप्टन के लिए अजहर अली और बाबर आजम दोनों काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। आप चाहो तो दोनों के दोनों जो कैप्टन वाइस कैप्टन है साउथ अफ्रीका की टीम से भी रख सकते हो। तो दोस्तों अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो मेरी पूरी टीम होगी कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, वो मैं कुछ ही देर में वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा। तो आप वहाँ पर आके विजिट करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर टीम जो है वो अपडेट करूँगा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा दिस कंटेंट इज़ लॉक्ड। तो आपको यहाँ पर बस क्लिक करना होगा और लाइक के बटन को आपको प्रेस करना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इतना टाइम लगाकर आपके लिए टीम बनाता हूँ, एक लाइक करने में कुछ आपका जाएगा नहीं, सिर्फ आपका कुछ सेकंड लगते हैं लाइक करने में। तो आपको बस करना होगा यहाँ पे लाइक और शेयर के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो टीम है वो ओपन हो जाएगी, बस इतना सा आपको करना है। तो उसके बाद आप टीम जो है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ की, जैसे हर मैच की मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि और भी ऑनलाइन मनी मेकिंग के मेथड्स जल्दी ही मैं आप सबके सामने लेकर आने वाला हूँ, लेकिन आपको जो ड्रीम टीम है वो मैं हर मैच में प्रोवाइड करता ही रहूँगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बस आपको वेबसाइट पे आना है। अगर आपने एक बार लाइक कर दिया है पेज को तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपल हर मैच में जो पोस्ट है वो फेसबुक पे या अपने दूसरे अकाउंट पे भी अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। तो आपको बस वहाँ पे शेयर करनी है, टीम आपको वेबसाइट पे मिल जाया करेगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो और आज की ये टीम अच्छी लगी होगी। तो इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो बेझिझक आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और पूरा प्रीव्यू आपको पढ़ना हो तो आप हमारी वेबसाइट profantasycricket.com, आप सबको पता ही होगा, आप वहाँ पे आके विजिट करके पूरा प्रीव्यू पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे दोबारा आइएगा।